Hello and welcome back to the channel, everyone. This is your autistic rider Kapil. I hope you guys are doing absolutely good and fine. लॉकडाउन में इसके पहले हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मौका मिला है। आज थोड़ा बाहर निकला हूँ, मैं नागपुर की गलियों से गुजर रहा हूँ, कार ड्राइव कर रहा हूँ। नागपुर की जो लॉकडाउन की जो स्थिति है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो देखिए और साथ ही साथ मेरी कमेंट्री का भी मज़ा उठा ही है। कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं घर के बाहर निकला हूँ फ्रेंड्स, बैंक में जा रहा हूँ, और अभी हाल फिलहाल मैं हूँ टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर चाकरू नगर में, कुछ काम है बैंक में, वहाँ पे जा रहा हूँ। आप देख सकते हो लॉकडाउन में नागपुर की परिस्थिति जैसे कि लॉकडाउन में होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं है। काफ़ी लोग घूम रहे हैं, और अभी तो नागपुर में एक डिसीजन हुआ है कि शायद 22 तारीख से सब कुछ ओपन हो जाएगा। 70-80% जो शॉप्स है या जो भी मार्केट है वो ओपन हो जाएगा नागपुर में। देखिए ऐसी हालत है, ये अभी हम सीए रोड पे है। सीए रोड का ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये है मेट्रो का मेन ब्रिज। सुबह के लगभग बज रहे हैं 10:30, और मई का महीना है, गर्मी के दिन है, उसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो रही है, धूप काफ़ी बढ़ गई है। आप रोड साइड्स में देखिए कितने सारे लोग हैं, कितने सारे शॉप्स ओपन हो गई है। ये है जी अपनी बैंक, यहाँ पे कुछ काम है छोटा सा, वहाँ पे काम कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स काफ़ी दिनों बाद हमारे चैनल पे कोई व्लॉग आ रहा है। बीच में एक्चुअली मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और मैं कुछ दिन एडमिट भी था हॉस्पिटल में। उसके पहले भी मैंने ये सोचा था कि हमारे चैनल पे हम गिटार लेसन्स डालेंगे, गिटार के कुछ लेसन्स करेंगे हम, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। और जो मेरी गिटार थी वो गिटार की कीज़, दो कीज़ उसकी टूट गई है, तो उसकी वजह से शॉप वगैरह सब बंद है और हम उसको रिपेयर नहीं कर पाए, और ना ही कोई गिटार लेसन्स हम बना पाए, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और अभी लॉकडाउन थोड़ा सा नागपुर में जो है वो थोड़ा हटा दिया गया है, या उसका जो इंटेंसिटी था वो थोड़ा कम कर दिया है, तो उसकी वजह से लोग अपने अपने कामों के लिए घर के बाहर निकल रहे हैं। मैं भी इतने दिनों बाद, मतलब आप समझ के चलिए 50 दिन या 2 महीने के बाद ही मैं घर के बाहर निकला हूँ, और उन्हीं दिनों में कुछ तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो उसके वजह से मैं एडमिट भी था कुछ दिन। नहीं, कोरोना नहीं हुआ था मुझे, एक्चुअली मुझे किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। हालांकि अभी ठीक है तबीयत, और अभी काफ़ी प्लान्स बना रहा हूँ मैं कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा तो वैसे ही हम कुछ राइट प्लान करें। एक गुड न्यूज़ और है कि हमने नागपुर में घर ले लिया है, और घर का अभी रजिस्ट्री का काम जो है वो अभी होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग बैंकिंग का जो काम आया है तो घर के बाहर निकला हूँ, और आने वाले 10 दिनों में हमारा घर हो जाएगा नागपुर में। मेरे ख्याल से हमने लगभग 3 महीने हो गए कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, मतलब लास्ट टाइम जब मेरे फ्रेंड की शादी के लिए अमरावती गया हुआ था तो वही मेरा लास्ट ब्लॉग था। उसके बाद एक गिटार लेसन मैंने अपलोड किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमारे चैनल पे आ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और बस ऐसा ही प्यार आप बनाए रखें। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आगे आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी मैं बहुत बड़ी राइड प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, तो बहुत बड़ी राइड होने वाली है। तब तक हम अगर नागपुर में लॉकडाउन थोड़ा कम कर दिया जाएगा तो यहाँ के डेली ऑब्जर्वेशंस के कुछ वीडियोज़ बनाएंगे। जी बैंक का काम हमारा हो गया है, और एक दूसरे बैंक में जाना है हमें, और मकान लेना मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स और मैनेजमेंट्स करनी होती है, उसी की वजह से ये सब घूमना आपको पड़ेगा। ये देखिए आप, ये है अम्बे
टाइम्स स्क्वायर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। ये है वर्धमान स्क्वायर का एरिया, वर्धमान नगर जो है उसका एरिया है, इसी में से एक स्क्वायर है। यहाँ से ले लिया है जी यू टर्न, हमें जाना है गांधी बाग। मेट्रो का ब्रिज तो बन गया है फ्रेंड्स, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मेट्रो बंद है, पर इसका एक एडवांटेज ज़रूर हो रहा है कि हम धूप काले में इसके जो छाव है उसके नीचे से कार अगर पार्किंग कर सकते हैं या तो फिर कार चला सकते हैं, जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ। तो थोड़ा 2-3 डिग्री का तो फ़र्क आ ही जाता है। चल भाई, काफ़ी एक सुकून वाली बात है ये कि छाव के नीचे से आप गाड़ी चला रहे हो। नागपुर की मेन सड़कों में से जो मेन रोड से उनमें से ये एक मेन रोड है जो कि पूरे नागपुर को जोड़ता है अलग अलग एरियाज में, बड़े बड़े जो दूर दूर के एरियाज हैं, तो ये एक रोड है कि जो जोड़ता है मेन एरियाज को, जो माइनर एरियाज है बाहर के उनको भी। तो ये है जी हालत नागपुर की, काफ़ी सारे दुकानें ओपन हो गई है, देख सकते हो आप ये दुकानें, यहाँ से हार्डवेयर की वगैरह दुकानें ओपन हो गई है। लॉकडाउन जब नहीं रहता है नॉर्मल डेज में यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता होगा।
शिवाजी महाराज स्क्वायर बोल सकते हो या तो फिर गांधी बाग स्क्वायर कह सकते हो, गांधी गेट का स्क्वायर बोल सकते हो। यहाँ पे एक गेट है जो कि महल का जो मेन मार्केट है वहाँ पे एंट्रेंस का गेट है, उसको गांधी गेट के नाम से भी जाना जाता है। बाय।